अभी मैं करने वाली हूँ अपनी मम्मा का मेकअप। चलो अब हम अपना मेकअप को दिखाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं हम इस आगाज़। और अभी आपने देखा कि मैं पड़ी हुई थी बिस्तरों पर, बिकॉज मेरी हो रही थी बहुत भयंकर तबीयत सी ख़राब, लेकिन सिर में हो रहा था मेरे दर्द। और इसकी आंखें देखो, खैर उसने अपना मुंह छुपा लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को, टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। इस लड़की ने ज़िद पकड़ ली कि मैं आपका मेकअप करूँगी मम्मा, और ये 3 दिन से लगी थी, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। टाइम क्या नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है और फिर मन भी नहीं लगता ना। अब कहीं जाओ तो सिर्फ मेकअप का तो जब ही मन लगता है, वरना अदरवाइज मैं अपने फेस पे ना कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ कुछ भी, क्योंकि ज़रा सा ही अप्लाई करो, शादी वगैरह में ही अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मेरा रिएक्शन हो जाता है फेस में, पता नहीं क्यों। और तो बस अभी देखते हैं ये कैसा मेकअप करती हैं। सारा सामान लेकर आ गई हैं, और वैसे भी मेरे मेकअप में ज़्यादातर जो आईलाइनर और मस्कारा वगैरह था ना, वो बाटा प्रूफ नहीं था, महंगे इतने थे। जब मेरा मेकअप आया था, उन्होंने दिया था मेरे सब्सक्राइबर ने, तो अच्छा किस किस ने मेरे मेकअप वाली जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे भाई ने, बहुत दूर के भाई ने मेकअप भेजा था ना, तो बस वही वीडियो मैंने बनाई थी। और जिसने नहीं देखा हो ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, जीनू करेंगी मेरा मेकअप, देखते हैं कैसा करती हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा मेरा मेकअप, और मेरे साथ साथ ना एमी भी मेकअप करेंगी और रिदा भी मेकअप करेगी, जो कि एमी रिदा का मेकअप करेगी। अच्छा, बच्चों को आजकल ना ये इस चीज़ का बड़ा ही शौक हो रहा है कि मतलब मेकअप, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तीनों ही बेटियों का ना मेकअप में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा है। बिकॉज अंजुम जो है ना, वो पार्लर जाती हैं, तो वो घर आती हैं तो फिर वो उसी तरीके की जो हेयर स्टाइल वगैरह सीखती है ना, तो बस फिर वो बच्चों के ऊपर करती हैं, तो बस रोज़ का हेयर स्टाइल बनना उनका और फिर उनको मेकअप करना, और फिर बस यही सारा चीज़ जो है ना, वो बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो थैंक गॉड जिनू का एडमिशन हो गया है, वो मैं आप लोगों को जल्दी से बताऊंगी कि कौन से स्कूल में हुआ है। बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में ना रूटीन भी शेयर करूंगी, बिकॉज़ मॉर्निंग रूटीन मेरा सेट हो गया है, और माशाल्लाह शायद 3 दिन हो गए मुझे रूटीन में आए हुए। तो मैंने सोचा पहले मैं कवर कर लेती हूँ कि मैं रूटीन अपना जो मैंने बनाया है उस पर मैं चल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होना है, हम जो सोचते हैं ना वो तो खैर हो नहीं पाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दिन से अपने रूटीन में कायम हूँ, और उससे भी एक्स्ट्रा जो काम है ना वो भी मैंने कर लिया है। तो फाइनली अब मैं थोड़ा सा फ्री फील कर रही हूँ, और मैंने क्या काम करे हैं, यहाँ क्या क्या मैं कर रही हूँ, वो सभी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो जी अब बात करते हैं मेकअप की। तो फाइनली जिन्हों ने ना काफ़ी अच्छा मेकअप, वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि वो कर दे। वैसे मैं फ्रंट कैमरे मतलब कैमरे में सोच रही थी कि मेरा फेस ऐसा हो, तो मैं जिन्हों से बोल रही थी कि खड़े होकर मेकअप करो, जिससे कि व्यूवर्सों को भी ना अच्छे से मेकअप दिखेगा कि आप क्या क्या लगा रही हैं। और उन्होंने प्रोडक्ट भी नहीं दिखाए कि क्या क्या लगाया है मेरे फेस पर फाइनली उन्होंने थोड़ा सा अच्छा ही किया था, अभी तक तो खैर अच्छा ही कर रही हैं वो। तो आगे अभी आप लोग और देखिएगा कि वो क्या क्या करती है फेस पर, और मैं बार बार चेक कर रही थी कि कुछ ओवर नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था। और जिनू से ना मैं काफ़ी बच रही थी कि मैं मुझे मेकअप नहीं करवाना पड़े, और आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि 3-4 दिन से जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आज थोड़ा मतलब आज मेरी वीकनेस लग रही थी मुझे, और बस मैं दवाई खा के और 15 से 20 मिनट बैठी थी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। असर का टाइम हो रहा था मतलब मगरिब का होने वाला था, और यहाँ पर देखिए आई मीन जिनू ने ना जो कॉन्टैरिंग भी की है
मेरे फेस को पतला भी कर रही है वो, तो ये सारी चीज़ें है ना, बस वो देखती रहती है कि मम्मा कैसे मेकअप कर रही हैं कैसे, तो बच्चों को बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है ये सारी चीज़ें, बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है। अगर और सारी चीज़ें रूटीन में लाना चाहो या फिर उनको अच्छा से अच्छी चीज़ें बताएं ना, तो वो चीज़ें बहुत कम से आ पाती हैं। बताइएगा क्या मैं इस तरीके से शादी में जा सकती हूँ या नहीं, बताइएगा। फोटो हो गया ना, अभी भी वो ढूंढ रही है कुछ और मेरे को। आँख में
में बहुत तेज खुजली हो रही है। तो यही तो चला है अम्मी अभी तक। तो गाइस कैसा हुआ मेरा मैच? आई होप आपको पसंद आया होगा फुल वीडियो। आप लोगों ने काफी एंजॉय की होगी मेरी मेकअप की। मैं सोच इसने यहाँ पर लाइनर गिरा दिया। चलो अब हम अपना मेकअप को दिखाने जा रहे हैं। छोटे छोटे ऑंट थे ना, देख लो रिएक्शन, देख लो कैसा कैसा मैकअप। डिजाइनदार बना रही थी इन्हें। आई शैडो बहुत लगाया था उन्होंने उंगलियों से और तोड़े भी दिया। हाँ नहीं अपने लगा रही थी, दोनों कर रही थी। बस देखो डिजाइनदार जी लगाया। अम्मी बोला ऐसे ऐसे करके कर रही थी, मैं लगा रही थी। मैं सीट को कैच थी ऊपर। ओ डिजाइनदार बना रही थी। अच्छा डिजाइन बना रही थी। ऐसे करके ऐसे कर रही थी, उसे लगा नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल का जो ब्लॉग था ना वो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि इशा हो गई थी मेकअप करते करते जीनू को और अजान हो गई। फिर उसके बाद सडनली मैंने अपना मेकअप रिमूव किया और क्योंकि मेरा आईलाइनर जो है ना वो वाटर प्रूफ नहीं है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना कि मेरे पूरे यहाँ तक मतलब आईज मेरी पूरा फेस इतना काला हो गया था ना, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास रिमूवर ही नहीं है मेकअप रिमूवर, तो जिससे कि आसानी से मेकअप रिमूव हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने उसको बहुत मुश्किलों से ऑयल से क्रीम से नारियल के ऑयल से उसको क्लीन करा, मसाज करी, बहुत मुश्किलों में निकला था। तो बस मैंने सोचा अब अपने ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। आई होप कल का मेकअप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं बनाने लगी हूँ भरमा भिंडी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप लोग जाएं चेक कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इस टाइम मैं अपने इंस्टा पर भी ना थोड़ा बहुत टाइम दे लेती हूँ क्योंकि घर के टाइमों से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं अपने इंस्टा को भी देख लेती हूँ, वहाँ पर मैं रील्स बनाती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ इंस्टा पर भी, यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर ना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन मैं हो नहीं पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं मेहनत कर आई होप आगे बढ़ूंगी। और ये बातें कम करते हैं, यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।